हेलो, स्वागत है आप सभी का इंडियन इंटरनेट पर। और आज हमारे साथ मौजूद है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ मूवी के स्टारकार। आइए इनसे बात करते हैं आखिर क्यों इन्होंने इस मूवी का नाम घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ ये क्यों रखा। तो बोले सर, कैसे जनाब? बस दीवाना है घोड़ा जो है ना, बहुत रेस लगा के आया है। ये बुजुर्गों की कहानियाँ हैं और वो इस सारी कहानियों के दरमियान ये करते थे कि जो भी यहाँ से दिल्ली से मेहरौली उनको पिकनिक बनाने लेके जाते थे या तो उस दौर में उस ज़माने में ये बातें होती थी कि भाई अब घोड़े ने आज बड़ी मेहनत की है, इसे मक्खन लाल की दुकान पे लेके चलो, दूध जलेबी खिलाओ। तो अभी आप जब घोड़े को जलेबी और दूध खिलाने लेके गए हो तो ऐसा हुआ कभी कि घोड़े ने हट की हो? घोड़े ने हट तो नहीं की। अच्छा। घोड़ा इंतज़ार में रहता है कि कब मुझे जलेबी खाने को मिल जाए, है ना, लेकिन मेहनती घोड़ों को जलेबी मिल नहीं रही है। तो आपका इस मूवी के अंदर जो मेन किरदार है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा किरदार जो है आकाश जैन जुनूनी का है, जो वहीं का बाशिंदा है। वहाँ के हर गली कूचे मोहल्ले इलाके बुजुर्गों तारीख वहाँ के तीज त्यौहार हर चीज़ से मोहब्बत करता है। उसको वहाँ पर रहने वाले हर जायके का पता है, उसको वहाँ पर रहने वाली हर अदबी चीज़ का भी मालूम है। वो उसको मतलब ये भी पता है कि यहाँ पे इस तमाम मोहल्ले के ऊपर जो हिस्ट्री की तमाम बातें हैं, जो एक तो सीना दर सीना हिस्ट्री है उसके बारे में भी वो जानता है, और इसके बारे में भी जानता है कि जो यहाँ पर जो लोगों की पीपल्स हिस्ट्री है, ओरल हिस्ट्री है, वो भी किस तरीके की, और लोगों ने जिन्होंने यहाँ के ऊपर लिखा है सर सैयद अहमद खां हैं, तो वो हर चीज़ के बारे में जो है जानता है, दीवाना है हर चीज़ के बारे में। जब आपने इस मूवी की शूटिंग की तो उस टाइम पे आपको मूवी के अंदर ऐसी मतलब कौन सी शूटिंग करते टाइम ऐसी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिससे आपको ऐसा लगा हो कि यार काफ़ी टिपिकल है? नहीं, परेशानियों का सामना तो एक तरीके से इस तरीके से कोई ज़्यादा नहीं हुआ। भाई यही था कि हमारे को कई बार कुछ इस तरह की शूटिंग करते हुए अड़चने ज़रूर आई छोटी मोटी, और उन्हें वहाँ के लोकल लोगों ने ही समाधान किया उन चीज़ों का। सर, आपका इसमें मूवी के अंदर क्या किरदार? जी, इसके अंदर मेरा जो करेक्टर है वो एक आम इंसान का करेक्टर है जो कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। या कभी दावत के अंदर वेटर बन जाएगा, या कभी बैंड में वो ट्रम्पिट बजाने लग जाता है, या लाइट भी उठा लेता है, और ये जेब भी काटता है कभी कभी। और लेकिन जेब काटने के बाद में इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल का बुरा है, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए अपनी जेब काट रहा है। और जेब काटना कोई कानूनी जुर्म तो है लेकिन बहुत बड़ा आर्ट है जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ ये। जी दिल्ली के अंदर जब जेब कतरे होते हैं वो आपको पता भी नहीं लगने देते और आपकी जेब को साफ कर देते हैं। जेब को साफ कर देते हैं और मालूम चलता है अगले दिन मिल भी जाते हैं दोबारा से। सेम बंदा मिल भी जाता है। तो मूवी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें रही हैं जिसमें आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया हो, और ऐसे कैसे फूड रहे दिल्ली के, क्योंकि इसकी शूटिंग दिल्ली में ही हुई, तो कुछ बताइए कि आपने जो फूड कैसा इन्जॉय किया इसके अंदर? भाई इसके अंदर फूड तो ये है कि जहाँ पर भी हमारी पुरानी दिल्ली में शूटिंग हुई थी तो वहाँ पर तो आप सोच लीजिए कि जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं उसके जस्ट थोड़ी देर में कोई चाट की दुकान है, या किसी कचौड़ी की दुकान है, या छोले भटूरे की दुकान है। तो यही होता था कि शॉट ख़त्म हो और वहाँ से थोड़ा सा तो चक्के आ जाएँ, और या फिर अगर जामा मस्जिद के साइड में है तो हमेशा शाम को लगता था कि कुछ कबाब या कुछ कोरमा या खमीरी रोटी या बिरयानी का थोड़ा सा एक जायका तो लिया जाए। क्यों जैन साहब? जी मेरे को क्या पता। ये तो कहता रघुवीर यादव जी ने एज ए हलवाई काम किया है, तो कभी आप उनकी शॉप पर गए हो कि जी आज कुछ अच्छा खिला दीजिए? नहीं, अच्छा नहीं, वहाँ से जो जेब कतरे ने उनकी दुकान पे जाते थे और कचौड़ी उठा के चल देते थे खाते खाते। वो ये हुआ नहीं, डांटते नहीं थे क्योंकि वो दोस्त थे, बस वो कहते थे अबे सब्जी तो ले जा साथ में, मगर वो सिर्फ कचौड़ी लेके चला जाता था। तो मूवी के अंदर जो इसके अंदर फेमस डायलॉग है वो बताइए, इस मूवी का जो सबसे फेमस डायलॉग। सबसे फेमस डायलॉग मूवी का, एक्चुअली इसकी खास बात ही डायलॉग है। आप फिल्म देखेंगे तो उसकी एक एक जो लाइन है वो अपने आप में नायाब सी, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन जैन साहब ने जो बोला, जैन साहब जरा सुनाइए कोई सा डायलॉग। चलिए, मैं साहब ने डायलॉग लिखे हैं ये फर्रम फट फर्राटेदार पत्थरों की वॉक को तो आप जरूर देखिएगा, और इसके अलावा मैं आप चलिए अपनी पतंगबाजी को लेकर जो आवाजें दुम छल्ले पीछे से आवाज लगाते थे जैसे ही पतंग कटती थी, तो यक काटी है चम से, यक काटी पे चम से, यक काटी ढीलम से, आई बो काटे। तो घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। जी हाँ, इस डायलॉग को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो बताइए। आप जिस तरह से कहें उस तरह से प्रेजेंट कर दे, अपने अंदाज में करके है ना, मैं अपने अंदाज में दोनों कॉम्बिनेशन। मैं कहाँ जा रही है? घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। अब हमें भी ले चल। हाँ? चल चल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।